नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ सोने व चांदी के भाव। देश में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट का केंद्र रहा शाहीन बाग, खाली कराया गया। 101वें दिन पुलिस ने उखाड़े टेंट। कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार एहतियात के तौर पर हर कदम उठा रही है। दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, ऐसे में जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई के मूड में है। देश में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट का केंद्र रहा शाहीन बाग आज खाली करवा दिया गया है। आज 101वें दिन पुलिस ने टेंट उखाड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं शाहीन बाग के अलावा दिल्ली पुलिस ने जामिया, सीलमपुर, जाफराबाद, तुर्कमान गेट, मालवीय नगर, होजरानी से भी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है। दिल्ली के कुल 8 जगहों के प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। वहीं कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सोमवार को लॉकडाउन का दिल्ली में कम असर देखने को मिला, जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने रात करीब 8 बजे राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए। अगली बड़ी खबर है मोदी सरकार की सभी कंपनियों से अपील, कर्मचारियों का वेतन न काटें, ना ही उन्हें नौकरी से निकालें। पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। तमाम राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कई राज्यों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। इस बीच प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों पर उनकी नौकरी जाने और सैलरी रुकने का संकट मंडरा रहा है, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने इन तमाम कंपनियों से अपील की है कि वह कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें और उनकी सैलरी ना काटें। अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस की आड़ में ग्राहकों को लूट रहे दुकानदार। आम जनता पर पड़ रही महंगाई की मार, दूध, सब्जी, फल, आम जरूरतों के बड़े दाम। एक तरफ देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, लोग घरों में हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं, ऐसे समय में उन पर महंगाई की भी मार पड़ रही है। जब से देश में शहरों को लॉकडाउन किया गया, तभी से आम जरूरतों के दाम आसमान छू रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक सप्ताह के दौरान दाल, सब्जी और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि खाने पीने की चीजों के दाम में पिछले एक सप्ताह और रविवार को जनता कर्फ्यू के बाद बढ़े हैं। अगली बड़ी खबर है पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकार को होगा इतना फायदा। केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि करने का अधिकार हासिल कर लिया है। भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा क्यों करना चाहती है। एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से सरकार को सालाना करीब 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल के भाव में $30 से नीचे होने के बावजूद घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल व डीजल के भाव कम नहीं कर रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है सोने के फिर गिरे दाम। जान लेते हैं आज के सोने व चांदी के ताजा भाव। सोने व चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज फिर से गोल्ड रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है। MCX के अनुसार आज सोने का दाम करीब 0.11% गिरकर 41,116 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। वहीं चांदी की कीमतें करीब 3.16% बढ़कर 39,110 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। वहीं दिल्ली चेन्नई से अहमदाबाद, जान लेते हैं आज के भाव। 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो आज दिल्ली में करीब 41,760 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चेन्नई में आज गोल्ड रेट करीब 43,320 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं कोलकाता में आज सोने की कीमतें करीब 42,060 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। वह मुंबई में आज सोने के भाव 40,660 रुपए और बेंगलुरु में आज सोने के भाव 42,060 रुपए, वह हैदराबाद में आज सोने के भाव 43,320 रुपए प्रति 10 ग्राम है।